तो दीदी कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पंकज भैया घर पे आई हूँ। और भैया देखो ये सब क्या कर रहे, इतना ये देखिए ये कुछ नहीं है। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम आए हैं, ये जो रखी ना, ये घर में रखी थी जो फोटो वगैरह होती ना भगवान जी की, तो उनको क्या है पानी में डालना है, मतलब सिराना है इनको। तो यहाँ पास में बम्बा है तो वहाँ डालना, बहुत दिन हो गई रखी है। तो मौसम देखिए, ये छोटे छोटे गेहूँ, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मौसम। अब तो खैर धूप निकलने लगी, तो चलते हैं इनको फटाफट डाल देते हैं ना। और क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर ये रखे रहे फोटो तो अच्छा नहीं होता। ये देखिए इसमें काफ़ी है, और थोड़ी बहुत रखी होंगी तो फिर बाद में लाएंगे। ये है चारे के लिए वर्सिंग, जो गाय भैंस वगैरह खाती ना। और ये लाह आप जानते हैं, कमेंट करके बताना इस लाह का क्या होता है। ठीक है, तो आ गया भाई बम्बा, फटाफट ऐसे ही डाल देंगे इनको। देखते पानी है, कल तो था पानी, हाँ है पानी, ये देखो है ना। तो ये जाओ, ये बढ़िया से जा रही है। ये का कत्ती हो है? कछु तो कत्ती हो, तू का बना रही हो? खिचड़ी बना रही हो? खिचड़ी काहे बना रही हूँ भाई, खिचड़ी में प्याज कौन डाला था? डाला तो नहीं है खिचड़ी में प्याज। अच्छा खिचड़ी में प्याज पड़ा था, तो खिचड़ी में ये मूंगफली के दाने कहाँ पड़ते हैं? सब पड़ा था। अच्छा अच्छा मुझे सुखा रही हो। तो फाइनली गाइस हम लोग कोशिश कर रहे हैं गांव की भाषा बोलने की, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है गांव की भाषा में, मतलब देसी भाषा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रही है साबूदाना की खिचड़ी। और भाई साबूदाना ये देखो का है, गुड मॉर्निंग नहीं बोली? अरे देख तभी ठीक है, देखा ओ हो, तो यहाँ पड़ गया टमाटर। यही कह रही है कोई खाने का टाइम है, 2 बज रहा है, ये कोई नहाने का टाइम है। हाँ बताओ क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? नहीं अभी उससे पहले तुम बोली, वो क्या बोली ये बताओ बस। हाँ ये बोली ये कोई खाने का टाइम है, तुम्हें 2 बजे नहाते हो। हाँ तुम्हारे चक्कर इंतजार करते 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 भूखे बैठे हैं हम। नहीं जो पहले बोली वो बताओ ना, जो पहले बोली है झूठ क्यों बोल? इंतजार करते करते 2 बार खाना खा चुके। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? समझे आप, ये हमारे खाना का इंतजार करते करते इन्होंने 2 बार खाना खा लिया। खाना नहीं खाया। हाँ सुबह हमने चाय से 2 पूड़ी खाई, सब्जी से ये रखी रसखीर भाई, बड़ी खा ली। और क्या खाओगी भाई, और क्या खाओगी? नाश्ता खाएंगे ना, अब ये नाश्ता खाएंगे ये नाश्ता खाएंगे। अरे बड़े आज भाई ये कई दिनों बाद यहाँ आए, क्योंकि हमें तबीयत ठीक सही हो गई। सबसे पहले पूरी खाई, फिर रसखीर खाई, बड़े खाए, अब नाश्ता खाए। आप देख रहे हैं आप, आपको लगती है देखने में हल्की, लेकिन भाई खाना ज्यादा खाई जरा सी क्या, इतना बड़ा तो बड़ा भी नहीं होता, बड़ा भी इतना ही बड़ा है। तो भाई बन जाते हैं, हम भी कुछ खा ही लेते हैं। तो ये आ गई हमारी खिचड़ी साबूदाना की, और देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही भाई। देखो हमें लेके आने पड़े समोसे और पानी, ये देखो समोसे गरम गरम, भाई बहुत ही ज्यादा गरम है। पापा मुँह में खा लगा है पन्नी खा गई क्या? मैं नहीं जा रहा था, उसका बहुत बुरी बेइज्जती है तुम्हारी, तुम नीचे बैठा दिया क्या? छत को देखो इसने क्या कर दिया, देखो इतनी गंदी, कितनी गंदी करके यार रखी तुमने छत। अरे उसको समोसे तो लड्डू खाएगा चटनी से क्या? लो भाई नीचे बैठो जाके, सुनते नहीं है फिर एक बार मैं। ये लोग देख रहे हैं, इनको भी समोसे खिला दो यार। हाँ बिल्कुल। दो मेरे समोसे आ गए क्या? चलो भाई गर्म होंगे ना। तो मैडम जी ने खाए हैं समोसे, और इन्होंने हमने इन्हें समोसे खिलाए अपने पैसों से। ठीक है, हमने इनसे पूछा 1 रुपए के समोसे लाए, तो कह रही 50 रुपए के लेके आओ। तो भाई 50 रुपए के समोसे लेके आए। तो आपको मैडम जी समोसे खा के कैसा लगा, सच बताना? अच्छा लगा। हाँ तो अब हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहती हैं, हम आपके लिए समोसे लेके आए हैं।
आप हमारे चैनल के लिए कुछ आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहती हो? बड़ा तुम खुद घर से इंसान हो, 50 रुपए के समोसे डकर गई तुम और तुमने चैनल तक के लिए अकेला खाए। पॉइंट नोट किया जाए, अकेला ये बेटा है। क्या करी, अकेला खाए? अकेले खाए नहीं तो तुम्हें चैनल के लिए तो बोल देती हमारे, हम आपके लिए समोसे ले। सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। और इन्हें अकेला खाए है। आप मेरी थाली देख के कमेंट बताना, किसी ने ऐसी थाली देखी है? हाँ, चांदी की थाली है भाई। और आपको हमने समोसे खिलाए, आपको कैसा लगा? अच्छा। तो हम अच्छे अच्छे समोसे आज तक नहीं देखे मेरे जिंदगी में। नहीं, मेरे दोस्तों को भी अच्छे लगे। अच्छा, मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहे तो मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग करके चैनल है हमारा, तो क्या कहोगे? इनको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हमसे मिलने आ रहे हैं, वो अभी आपको दिखाएंगे। A few moments later. तो भाई रात के हो गया टाइम 6:10 हो गया है। तो अभी हमारे यहाँ आई है पूजा दीदी, यानी पूजा सक्सेना ब्लॉग, आप लोग देखते ही होंगे। ये देखिए भाई, मैडम जी बैठी हुई आराम से। ये नहीं आई है, ये आई है दीदी, आई है और गोलू आया है। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो दीदी कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पंकज भैया घर पे आई हूँ और मुझे मम्मी पापा मिले और मुझे भाभी से मुलाकात हुई, तो मेरा मतलब काफी मन हो रहा था मिलने का भी। जी जी, तो सबसे मैं आज मिल ली हूँ। और भैया देखो ये सब क्या कर रहे, इतना ये देखिए, ये कुछ नहीं है, आप भाई बोलती है हमको, तो हर एक भाई का फर्ज बनता है कि अगर सिस्टर घर पे आए तो थोड़ा बहुत तो बनता है। ठीक है, सही बात है।